नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही है वेदांता की तरफ से। देखिए, वेदांता ने कल डिस्कस किया था कि हमारा जो रिजल्ट्स है वो 4 नवंबर यानी आज आएगा। बोर्ड मीटिंग आज होने वाली है, पहले उनकी बाद में थी लेकिन उन्होंने रिशेड्यूल करी से और आज रिजल्ट्स आने थे जो कि आ चुके हैं। रिजल्ट्स मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो कुछ और आ रहा है और आफ्टर टैक्स वगैरह देखोगे तो कुछ और ही चीज सामने आ रही है। तो ये रिजल्ट्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो शुरू करता हूँ एक एक करके सारी चीजें आप सभी के साथ शेयर करना सिंपल लैंग्वेज में। देखिए, अभी किसी का भी कोई आर्टिकल एक्चुअली में पोस्ट नहीं हुआ है, कहीं भी कोई रिजल्ट्स आए नहीं, तो मुझे डायरेक्टली बीएससी की साइट से जाके ही ये रिजल्ट्स आप सभी के साथ पढ़ने हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा यही बात आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा। शुरू करते हैं, कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं ये कंपनी की तरफ से। सबसे पहले टोटल इनकम अगर आप साल दर साल देखोगे तो 37,351 करोड़ के सामने 39,585 करोड़ पे आई है। तो ये टोटल इनकम साल दर साल काफी अच्छी ग्रो हुई है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 34,279 करोड़ से बढ़कर 39,585 करोड़ पे है। तो टोटल इनकम तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख लीजिए या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लीजिए, अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखेंगे तो दोनों जगह बढ़ते हुए दिखी है। वहीं अगर आप एक्सपेंसेस यानी खर्चों की बात करें तो ये भी काफी हैवी से तरीके से बढ़ते हुए दिखे हैं आपको। टोटल एक्सपेंसेस की बात करता हूं मैं डायरेक्टली, टोटल एक्सपेंसेस देखोगे आप तो वो लगभग 33,221 करोड़ के सामने 32,631 करोड़ पे आए हैं। तो साल दर साल तो एक्सपेंसेस थोड़े कम हुए हैं लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो बढ़ गए हैं। 31,973 करोड़ से बढ़कर 32,631 करोड़ का टोटल एक्सपेंस कंपनी पेश करते हुए दिखी है। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स, यानी कि प्रॉफिट बिफोर पहले का मुनाफा ही टैक्स वगैरह को हटाकर जो कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो है 6,954 यानी 6,954 करोड़ का। अगर आप इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 2,300 करोड़ से बढ़कर 6,900 करोड़ है, बहुत तंगड़ा है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो 4,130 करोड़ के सामने 6,900 करोड़ है, तो ये भी बढ़िया है। लेकिन आगे अगर आप आ जाएं नेट एक्सेप्शनल गेन और लॉस देखोगे तो एक्सेप्शनल प्रॉफिट हुआ है कंपनी को 1,223 करोड़ का है, जो नॉर्मल है। अगर साल दर साल देखो तो 234 करोड़ से बढ़कर 1,223 करोड़ बहुत अच्छा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो तो 1,780 करोड़ के सामने 1,223 है, तो नॉर्मल आया है, एक्सेप्शनल कुछ भी नहीं है। अब आती है असली कहानी, अगर आप बिफोर टैक्स प्रॉफिट देखते हो यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो 8,177 करोड़ का निकल के आ रहा है जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर डबल हो गया है 4,086 करोड़ के सामने, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ऑलमोस्ट डबल ही मान लीजिए क्योंकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 4,360 करोड़ का प्रॉफिट था। अब आती है असली कहानी टैक्स की। अगर आप कंपनी के नेट करंट टैक्स एक्सपेंसेस देखें तो वो 2,328 करोड़ पे आए हैं 679 करोड़ से बढ़कर, तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर आप एक्सेप्शनल आइटम देखेंगे तो नेट टैक्स एक्सपेंस ऑन अकाउंट ऑफ अडॉप्शन ऑफ न्यू टैक्स रेट, तो नया टैक्स रेट इन्हें अडॉप्ट कराया जिसकी वजह से 6,128 करोड़ का टैक्स लगाया इन पे, जो लास्ट क्वार्टर में बिल्कुल नहीं था और उससे पहले वाले मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस में लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में भी कुछ नहीं था, ये नया अडॉप्ट करा है जिसकी वजह से इनका बहुत भारी टैक्स हुआ है। अब टोटल नेट टैक्स प्लस नेट टैक्स एक्सपेंसेस इन सबको प्लस कर दोगे तो 9,000 के हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट और जो है वो प्रॉफिट नहीं रहता है, लॉस में आ जाता है। 915 करोड़ का नेट लॉस कंपनी ने पेस्ट कराया इस क्वार्टर में 3,300 करोड़ के प्रॉफिट के सामने क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 2,700 करोड़ के प्रॉफिट के सामने ईयर ऑन ईयर बेस पे। बट यहाँ प्रॉपर एंड प्रॉपर जो नई टैक्स अडॉप्शन करा है इन्होंने रेट को, उसकी वजह से इनके प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आया, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। आगे बात की जाए, इसी की वजह से आप इनका अर्निंग पर शेयर देखोगे तो माइनस में चला गया 4.80 रुपीज के समथिंग का। तो ये एक एडजस्टमेंट बेसिस पे रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, जो समझना आप सभी को बहुत जरूरी है। अगर आपसे कोई कह दे कि प्रॉफिट से कंपनी को घाटा हो गया है तो भाई ये मेरे हिसाब से गलत बोला जा रहा है। प्रॉपर चीजें अगर आपके सामने रखी जाएंगी तो शायद आप समझ पाओगे कि ये 915 करोड़ का घाटा इसलिए आया क्योंकि नेट टैक्स एक्सपेंस ऑन अकाउंट ऑफ अडॉप्शन ऑफ न्यू टैक्स रेट, इसकी वजह से ये 6,000 करोड़ का तो यहीं पे टैक्स का झटका लगा है जिसकी वजह से प्रॉफिट घटा है। ओवरऑल टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो कल स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था 231 के ऊपर, जिसके बाद 235 तक की उम्मीद थी मेरी और एग्जैक्टली वहीं तक भी गया। अभी स्टॉक जिस लेवल पे वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, 235
243 की रेंज है जहां पे कंसोलिडेशन करेगा मुझे लगता है, और 243 अगर निकलता है तो फिर 265-60 के लिए तैयार हो जाएगा ये शेयर। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए मेरा व्यू बुलिश है क्योंकि यहाँ से ज्यादा कुछ खोने के लिए है नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलिटिलिटी बनी रह सकती है। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।